हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बूम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने वजीर एक्स अकाउंट से हम कैसे टोकन ट्रांसफ़र करें अपने बाइनेंस अकाउंट में। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको वजीर एक्स डॉट कॉम साइट आपको ओपन करनी है अपने ब्राउजर में। जैसे आप वजीर एक्स डॉट कॉम आप एंटर करके सर्च करोगे अपने ब्राउजर में, ये आपको वजीर एक्स डॉट कॉम यानी जो इसकी वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आपको, टॉप पे जो राइट साइड में आपको थ्री लाइन्स दिख रही है यानी मेनू ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, यानी कि आपका जो अकाउंट है उसको लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे आपको बॉटम में आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन वाया बाइनेंस, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं, ये आपको सीधे रिडायरेक्ट कर देगा आपके बाइनेंस के पेज पे यानी बाइनेंस के वेबसाइट पे लेके जाएगा। और वहाँ पे क्या करना है आपको, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड आपको डालना है और चाहे आप फ़ोन नंबर डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपका जो मेल आईडी है वो आपको वजीर एक्स और बाइनेंस अकाउंट पर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो दोनों सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर टोकन ट्रांसफ़र करते हो तो वो आपका फेल भी हो सकता है और वो हमेशा के लिए लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर आप जिससे भी आप लॉगिन करना चाहो वो एंटर करने के बाद आपको सिंपली पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन कर देना है। इसके बाद जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको ये आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, सिंपली आपको गेट कोड पे क्लिक करना है और जैसे आप गेट कोड पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी के आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे ओटीपी टाइप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आपका नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे आपका जो है वो वजीर एक्स अकाउंट जो है बाइनेंस अकाउंट के बीच में जो भी मतलब इनकी कम्युनिकेशन हो रही है यानी कि जो अपना ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी वजीर एक्स और बाइनेंस अकाउंट के बीच में। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको फिर से दोबारा कंटिन्यू क्लिक करने के लिए आ जाएगा, फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिर से एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और उस मोबाइल नंबर को जो भी आपका ओटीपी आया हुआ है आपके मोबाइल पे उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद ये आपका एक ओटीपी और आएगा आपके ईमेल आईडी पे यानी जो भी आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पे, उसके बाद वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सिंपली ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये मैसेज दे देगा कि भैया ये आपका जो है वजीर एक्स अकाउंट जो है वो बाइनेंस अकाउंट से सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपको वजीर एक्स का पूरा चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब भैया ये तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया यानी कि हमने वजीर एक्स अकाउंट से बाइनेंस अकाउंट को हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मेनू ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ फंड्स पे क्लिक कर देना है। फंड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी आपके अपने टोकन बाय किया हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मल्टीपल टोकन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो टोकन आपको सेंड करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ मुझे टेरा सेंड करना है यहाँ पे यानी लूना, तो आप देख सकते हो लूना मेरे पास जो है 21.52 टोकन्स हैं। अब मुझे ये सेंड करना है अपने वजीर एक्स से और अपने बाइनेंस पे, तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको टॉप पे जो दिख रहा है ये ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस एट जीरो फी मतलब फीस, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम वजीर एक्स टू बाइनेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना टोकन सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप सेंड करना चाहते हो। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल लूना सेंड कर रहा हूँ, तो इस तरह करके आप को जो भी टोकन आप सेंड करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है जितना आप सेंड करना चाहते हो, मैक्सिमम या फिर 75% जो भी आप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे
अमाउंट एंटर कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र टू बाइनेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ये तुरंत प्रोसेस जो है इसका ये स्टार्ट हो जाएगा। और आप इसके बाद आपके क्या होगा, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं OTP एंटर करने के बाद, ये क्या होगा, आपका जो टोकन है वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो गया कि भैया फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हिस्ट्री में क्लिक करके इसकी जो ट्रांसफ़र हिस्ट्री है वो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ से ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने आ जाते हैं बाइनेंस अकाउंट में। बाइनेंस अकाउंट पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, वॉलेट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद स्पॉट पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा लूना था वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुका है। जितना वहाँ पे लूना था मैं 21.52, सेम वो यहाँ पे आ चुका है 0 कॉस्ट पे। सो फ्रेंड्स, इस तरह करके आप कोई सा भी टोकन आप अपने वजीरे एक्स से और बाइनेंस में सेंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।